सुस्वागतम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, सलाम, प्रणाम। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आपकी सेवा में, आपके खिदमत में उपस्थित हो गया हूँ सी नारायण लेकर आज के दिन विशेष जो है 9 जनवरी के। जी हाँ बहनों भाइयों, जिसमें ऐतिहासिक घटना है जन्मदिन, स्मृति दिन। आज का विचार है भाई और आज का सवाल भी है जिसका जवाब होगा वीडियो के अंत में। तो सब कुछ एक ही पैकेज में, ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और रोचक जानकारी से भरा एक ही एक पैकेज है भाई, जिसका नाम है दिन विशेष विद NGC यूट्यूब चैनल। तो भाई चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा और आज इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। जी हाँ भाइयों, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले सुविचारों के साथ, यह है आपका आज का पहला सुविचार। सुविचार ये है कि भाई हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत करिए। हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत करिए। एक कहानी के हमेशा 3 पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच। जी हाँ मैं भाइयों, फिर एक बार, हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत करिए। एक कहानी के हमेशा 3 पहलू होते हैं, पहला आपका, दूसरा उनका और तीसरा सच। तो ये हुआ आज का सुविचार। दूसरा सुविचार आज का, बोले गए शब्द ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या तो फिर दिल से उतर जाता है। जी हाँ मैं, बहुत ही बढ़िया ये सुविचार आज का। फिर एक बार, बोले गए शब्द ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या तो फिर दिल से उतर जाता है। तो भाई किस तरह से बातें करनी चाहिए, किस तरह के शब्द हमारे जुबान से आने चाहिए, ये सोचिएगा, ताकि इंसान के दिल में उतरना चाहिए, दिल से नहीं, है ना। तो चलिए मैं भाइयों, ये आज के 2 सुविचार। अब आज का सवाल। जी हाँ बहन भाइयों, सवाल बहुत ही ज्ञानवर्धक है। सवाल है कि भाई किस देश में बर्फ से बिजली बनाई जाती है। जी हाँ बहन भाइयों, ये पानी से और कोयले से तो बिजली बनती है, लेकिन बर्फ से भी बिजली बनती है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर बर्फ से बिजली बनाई जाती है। तो वही ढूंढिए और अगर ना मिले तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे। वीडियो में इसका अंत में जवाब मैं दे दूंगा, ये वादा है। तब तक के लिए आप सुनिए दिन विशेष 9 जनवरी के। आज आज का खास दिन है कि भाई आज भारतीय प्रवासी दिन है। जी हाँ मैं भाइयों, 1915 में महात्मा गांधी जी अफ्रीका से 21 साल के बाद भारत लौटे और इसी के याद में 2003 से ये भारतीय प्रवासी दिन मनाया जाता है। तो आज के दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं भाई। आज का दिन आपको मंगलमय शुभ रहे, यही शुभकामना के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो दिन विशेष जो है 9 जनवरी के। और 9 जनवरी के ये है कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। सन 1760 में बरारी घाट के युद्ध में अहमद शाह दुर्रानी इन्होंने मराठों को पराजित किया। 1788 में कनेक्टिकट अमेरिका का 5वां राज्य बना। 1880 में क्रांतिकारक वासुदेव बलवंत फड़के इनको राजद्रोह के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनवाई और भाई उन्हें तेहरान जहाज द्वारा एडन ले जाया गया। 1915 में महात्मा गांधी जी अफ्रीका से 21 साल के बाद भारत लौटे। 2001 में इस सहस्त्रक का पहला कुंभ मेला अहमदाबाद में शुरू हुआ था। 2001 में नए सहस्त्रक का पहला खगरास ग्रहण देखा गया आज के दिन यानी 9 जनवरी को। 2002 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ एक दिवसीय सीरीज जीती। 2007 में स्टीव जॉब्स इन्होंने पहला आईफोन प्रकाशित किया। सन 1982 में
भारत की पहली वैज्ञानिकों की टुकड़ी, वैज्ञानिकों का दल अंटार्कटिका पहुंचा। 2002 में माइकल जैक्सन को आर्टिस्ट ऑफ द सेंचुरी ये पुरस्कार प्रदान किया गया। 2012 में लियोनेल मेस्सी, इन्होंने लगातार दूसरी बार बेलोन डियोर पुरस्कार जीता। 1768 में फिलिप एस्टले, इन्होंने सबसे पहले मॉडर्न सर्कस का प्रदर्शन किया। 1811 विश्व में पहली बार महिलाओं का पहला गोल्फ टूर्नामेंट आयोजित किया गया। 1816 सर हम्फ्री डेवी, इन्होंने सबसे पहले डेवी लैम्प का परीक्षण किया। 1923 जॉन डी ला सियरवा इन्होंने पहली ऑटोगैरो फ्लाइट का निर्माण किया। 2001 में एप्पल ने सैन फ्रांसिस्को में मैक्स वर्ल्ड एक्सपो में आईट्यून की घोषणा की। तो ये हुए भाई आज की कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं जो हैं 9 जनवरी के। अब 9 जनवरी के जन्मदिन देखते हैं भाई। पटकथा लेखक निर्देशक एस अली रजा, 1925। सौंदर्य शास्त्र के अभ्यासक समीक्षक आर बी पाटनकर तथा रा भा पाटनकर, 1927। ऐतिहासिक उपन्यासकार निबंधकार वृंदावन लाल वर्मा, 1889। भारतीय संगीतकार अभिनेता निर्देशक निर्माता राघव लॉरेंस, 1976। ये तमिल अभिनेता है। पॉलिटिशियन सुब्रमण्यम जयशंकर, 1955। पॉलिटिशियन स्वरूप सिंह, 1917। अमेरिका के 37वें राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन, 1913। मार्क्सवादी विचारवंत लेखक प्रभाकर ऊर्ध्वरेशे, 1918। भारत वंशीय अमरीकी नोबेल पारितोषिक विजेता हरगोविंद सिंह खुराना, 1922। अभिनेता कल्याण कुमार गांगुली तथा अनूप कुमार, ये किशोर कुमार जी के भाई हैं, 1926 में इनका जन्म हुआ। महान पार्श्व गायक महेंद्र कपूर, 1934। गायक सत्यशील देशपांडे, ये कुमार गंधर्व जी के शिष्य हैं, इनका जन्म 51 में हुआ। नृत्य निर्देशक फराह खान, 1965। बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री राम सुंदर दास, 1921। चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा, 1927। अभिनेता फरहान अख्तर, 1974। अभिनेता शरद मल्होत्रा, 1983। प्रसिद्ध धावक हीमा दास, 2000। अभिनेत्री अनुषा दांडेकर, 1982। महिला क्रिकेट खिलाड़ी जयश्री जडेजा, 1992। फिल्म डायरेक्टर सतीश राजवाड़े, 1973। गणिताचार्य सी पी रामानुजम, 1938। तो ये हुए भाई आज के जन्मदिन। अब आज के स्मृति दिन देखते हैं भाई। जर्मन ब्रिटिश खगोल शास्त्री कैरोलिन हर्शेल, 1848। फ्रांस के पहले अध्यक्ष लुई नेपोलियन बोनापार्ट तथा नेपोलियन तीसरा, 1873। पहले भारतीय सनदी अधिकारी आईसीएस सत्येंद्रनाथ ठाकुर, 1923। महान गीतकार, पुराने जमाने के महान गीतकार हैं कमर जलालाबादी, 2003। पखवाज वादक शंकर बापू अपेगांवकर, 2002।
नोबेल पारितोषिक विजेता अमेरिका अर्थतज्ञ, अमेरिका के अर्थतज्ञ जेम्स बुकैनन 2013 और राजनीतिज्ञ छोटू राम 1945। तो ये हुए भाई आज के दिन विशेष। हाँ भाइयों, इसी के साथ ही आज के दिन विशेष खत्म करते हैं, 9 जनवरी के रहे। लेकिन भाई आज के सवाल का जवाब देना बाकी है। तो सवाल ये है, किस देश में बर्फ से बिजली बनाई जाती है? तो यह महान देश है भाई अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका में बर्फ से बिजली बनाई जाती है, ये प्रयोग हुआ है। जानकारी के अनुसार इसके लिए एक डिवाइस वैज्ञानिकों ने बनाया हुआ है। बर्फ में धनवेशित पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, इलेक्ट्रॉन देने की इसमें प्रवृत्ति होती है, और इसी का ही उपयोग इस डिवाइस में किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यानी UCLA, इन्होंने पहली बार 3D प्रिंटेड डिवाइस बनाया था और प्लास्टिक की पतली छोटी चादर जैसी डिवाइस, ये डिवाइस बहुत ही किफ़ायती कारक है, और इस डिवाइस का नाम है स्नो टेंग नामक ये डिवाइस है। और ये छोटा सा डिवाइस जिसका उपयोग ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में खास करके किया जा सकता है। तो अधिक जानकारी के लिए भाई गूगल सर्च कीजिएगा। जी हाँ भाई, जहाँ पर आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए भाई, आज की जानकारी कैसी रही, दिन में शेष कैसा रहा, ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो। और भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मैं भाइयों अब लेता हूँ विदा, कल मिलने का करता हूँ वादा एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए भाई सी नारायण को दीजिएगा आज्ञा। नमस्कार, सलाम, प्रणाम, आदाब।